फर्जी हिंदुस्तान के बाहर के व्यक्ति नहीं है, परंतु मैं मिलने गया था ऐसा नहीं हुआ। वो जिस बंगले में रहते थे उस बंगले को देखने गया था, मुझे अलॉट करवाना था। संयोग से वो भी मिल गए, राम राम हुई है, शिष्टाचार भेंट हुई है, बातचीत हुई है। तो जाहिर सी बात है शिक्षा विभाग पर तो कुछ चर्चा हुई होगी। नहीं, उन्होंने मजाक में ये कहा मेरे से कि आप जब प्रेस से बात कर रहे थे तो मुझे लगा था कि आप कोई बम फोड़ेंगे, कोई मारधाड़ की बात करेंगे, लेकिन बहुत आपने बहुत सदैव शब्दों में बात की है, बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसा उन्होंने कहा जी। अच्छा, एक पूरा देश अब राममय है, कहीं ना कहीं राम के संस्कार भी हमारे पाठ्यक्रम में होने चाहिए, ऐसा मानते हैं आप? देखो, सद संस्कार तो होने ही चाहिए। हम किससे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक जो हमारे महापुरुष हुए हैं उसमें से सबसे जो अच्छा कह सकते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, यानी पुरुषों में उत्तम वही है और हमारे राष्ट्र आराध्य देव हैं, इसलिए उनके जीवन से कुछ हमको सीखना ही चाहिए। तो क्या उनको मतलब हम पाठ्यक्रमों में शामिल करने के बारे में सोचते हैं? पाठ्यक्रम में था, पहले भी था, उन्हें बचपन पढ़ा है और अभी मैं अध्ययन करूँगा कि उसमें है कि नहीं है। नहीं है तो हम इस पर मंत्रिमंडल में विचार करेंगे, इसमें सामूहिक निर्णय होता है और हम सामूहिक निर्णय से ही काम करते हैं।